सो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट फिटिंग करना। तो देख सकते हैं, जैसे हम आपके सामने ये सब कॉन्सेप्ट खड़ा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं फिट कर चुका हूँ, दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये होंडा साइन आई है, तो होंडा साइन में फिट करेंगे। तो देख सकते हैं सब पार्ट में खोल के रखा हूँ, अब इसमें फिट करेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा ये रहा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट मैं इसमें बैठा दिया हूँ। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको ये जूना कॉन्सेप्ट ले लेना है, इसके इससे पहले नया डाल देना है। तो इसको इसके अंदर ऐसे डालेंगे, इसमें घुस जाएगा। ये मैं तो बैठा चुका हूँ, आपको सैंपल दिखा रहा हूँ गाइस। तो हमें एक ऐसी जम्पर पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस जम्पर के पाइप की मदद से इसको बैठा के हमें ऊपर से थोड़ी मार के इसको बैठा देना है। जैसे कि ये देख सकते हैं मैं पूरी अच्छी तरह से बैठा चुका हूँ, तो इसी तरह से आपको भी बैठा देना है। अब इसमें देख सकते हैं ये रहा हमारा ये, और ये रहा इसका छर्रा। तो इस छर्रे को हम ग्रीस लगाएंगे पहले इसमें। जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा छर्रा है, ये ग्रीस है, तो इसके अंदर पहले ग्रीस लगाते हैं। सो गाइस देख सकते हैं जैसे कि ग्रीस इसमें हम लगा लिए हैं, इसी तरह से आप लगा लेना है। आपको ऐसे नहीं फिट करना है इसके अंदर, आपको ऐसे फिट करना है। जैसे कि देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं जैसे कि फिटिंग हो गया हमारा। अब इसके बाद में आपका क्या आएगा, इसके बाद में जैसे कि हमारा ये रहा कौन, तो हमारा कौन ये इस तरफ से लगता है, तो ये हमारा लग जाएगा। फिर इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसके अंदर ये हमारा ये इस तरफ से लगेगा, इस तरफ से बैठ जाएगा। तो इसी तरह से लगाना है। तब दोस्तों तो ये हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें नहीं बैठेगा, इसमें से पहले हमें इसके जेसिस में बैठाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं रहा इसका होल, इस जेसिस के अंदर इसमें हम बैठा देंगे इसको। और इसी तरह से एक और पड़ा है, जैसे कि ये भी एक इस तरफ से ऊपर लगेगा, फिर इसके बाद छर्रा आएगा, फिर इसके बाद में कौन आएगा, फिर बैठ जाएगा। तो चलिए हम इसको फिट करके दोनों तरफ फिर आपको हम दिखाते हैं। तो भाई जैसे देख सकते हैं हमारा ये जूना कौन है, इसके इसके ऊपर ऐसे हम लगा देंगे, और हथौड़े की मदद से इसको बैठा दिए अच्छी तरह से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये देख सकते हैं चारों कोना बराबर बैठ गया है। अब इसी तरह से हमारा ये नीचे का भी बैठेगा, जैसे कि नीचे का मैं अब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये रहा नीचे का। तो ये हमारा पहले हम हैंडल को सीधा करें। सो गाइस तो देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे ही लगाएंगे, जैसे कि ये रहा, इसके बाद में इसको थोड़ा मार मार के बैठा देंगे। सो गाइस तो जैसे देख सकते हैं हमारा कौन यहाँ तक बैठ गया है, अब इसके अंदर हमारा बैठ नहीं रहा है। तो इसको बैठाने के लिए हमें ये जूना कौन जो निकला है, इस कौन को इसके अंदर लगा के फिर इसको बैठाएंगे, तो अंदर वाला कौन हमारा पूरा यहाँ तक बैठ जाएगा। तो इससे हम पहले बैठा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख ही सकते हैं जैसे कि ये हमारा दूसरा कौन भी पुराना वाला इसमें बैठा दिए हैं। देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से बैठ चुका है, ये अंदर वाला कौन बैठ चुका है, इसको पुराने कौन से हम बैठा दिए हैं। तो अब इस कौन को हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आपको ऐसा एक बड़ा सा एक्शन लेना है और इसको ऊपर से डालना है, जैसे कि ये देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं एक्सल लगा दिए। अभी हमारा ये रहा यहाँ पे, देख सकते हैं इस पर आके लॉक हो गया है। तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, थोड़ी मार के इसको बाहर निकाल देंगे ऊपर से। जैसे कि गाइस देख सकते हैं कि हमारा कौन से जो पुराना वाला था ये निकल चुका है, और ये हमारा अंदर का बैठ गया है। तो गाइस देख सकते हैं इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। पर अपना छर्रा हम तो ग्रीस लगाए ही हैं। अब ये देख सकते हैं हमारा कौन सेट का छर्रा है, तो इस छर्रे को हमें इस तरह से नहीं डालना है, इसको इस तरह डालेंगे तो जैसे कि ये देख सकते हैं बैठ गया।
बैठ गया तो इसके बाद में देख सकते हैं दूसरा हमारा ओपन का कोन इसके ऊपर से लगेगा, ये इस तरह से भी नहीं लगेगा तो देख सकते हैं इसमें भी नाक निशान रहता है काटा, तो इसमें ही इस तरह से बैठेगा। जैसे देख सकते हैं बैठ गया, अभी हमारा कंप्लीट घूम रहा है, तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें चिपिया में कौन सा बैठ गया है और ये देख सकते हैं इसमें भी बैठ गया, छर्रा भी इसमें लगा दिए हैं। तो इसी तरह से आपको भी फिट करना है कोई भी बाइक हो, चाहे कोई भी बाइक हो, एक्टिवा, पल्सर, मेट्रो, जुपिटर, कोई भी बाइक, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा गिर्स लगा लेंगे तो हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इसके अंदर जाएगा, जैसे कि ये रहा। तो गाइस, तो हम इसको ऐसे ही बैठा लेंगे, जैसे कि ये देख सकते हैं ये इसके अंदर बैठ गया है, ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसे रहेगा, और इसके ऊपर से हमारा एक इस तरफ का नट आता है और एक ये रबड़ का आता है। तो ये रबड़ को हमें ऐसे पहले इसको लगाना है, फिर इसके अंदर लगा के ऐसे टाइट कर देना है। तो गाइस, तो देख सकते हैं जैसे कि हमारा कंप्लीट फिटिंग हो गया इसके अंदर, ये देख सकते हैं एकदम फ्री है। और इसमें देख सकते हैं इसमें जैसे कि ये इसको पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें डग रहेगा तो पता चलेगा, इसमें थोड़ा भी डग नहीं है। तो चलिए कंप्लीट हो गया, फिर इसको हम इसके हैंडल को लगा देते हैं, फिर व्हील टायर फिट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, तो इसे देख सकते हैं हमारा आधा बॉडी फिट हो गया है, ये देख सकते हैं 8 नंबर का यहाँ पे दो दो बोल्ट लगेगा और 8 नंबर का एक दो यहाँ पे लगेगा, 4 हो गया। और हमारा ये हो गया 30 नंबर का बोल्ट, ये टाइट कर दिए और बस। ये देख सकते हैं कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, ऐसे ही ऐसे काम करता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक इस तरफ जम्पर, एक इस तरफ जम्पर लगाएंगे और उसके बाद में इस व्हील को इसके अंदर फिट करेंगे, फिर इसके बाद में इसका फेयरिंग फिट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, से देख सकते हैं हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट फिटिंग हो गया, पूरा कंप्लीट फाइनल। देख सकते हैं इसका व्हील, जम्पर, सब कुछ कंप्लीट लग गया। अब हम आपको दिखाते हैं इसका स्टीयरिंग घुमा के, जैसे कि ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, हाउ नॉर्मल एकदम मलाई जैसा काम कर रहा है अभी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है, सो गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो इससे तो तब तक दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड लक, बाय बाय।